गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आज हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करते हुए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अगर कोई मेटल है दूसरे साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा। जनरल रिएक्शन हम सामने लिखे हैं कि मेटल ऑफ ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी टू फॉर्म साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। जैसे हम लोग सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखे थे कि इफ़ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ लेस रिएक्टिव मेटल टू डिस्प्लेस मेटल। अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे डिस्प्लेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जैसे यहाँ पर हम ले यहाँ पर कि अगर हम जिंक ले लिया, जिंक मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी CuSO4 देन फॉर साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मीन्स ZnSO4 एंड मेटल बी Cu। देखिए यहाँ पर एक्वस मेटल ए लाइक जिंक, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लाइक कॉपर सल्फेट इज फॉर्म साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मीन्स ZnSO4। ये हमारा ए का साल्ट हो गया, ये ए है और ये साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी हो गया। दिस इज साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी एंड दिस इज साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। ये जनरल रिएक्शन है कि मेटल ऑफ ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी टू फॉर्म साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एफ ई प्लस CuSO4 एक्वस टू फॉर एफ ई SO4 प्लस Cu। यहाँ पर देखिए आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मेटल ए एंड साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी टू फॉर्म साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। आयरन या जिंक इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव का जो साल्ट सॉल्यूशन है, लेस रिएक्टिव वाले जो मेटल जो साल्ट सॉल्यूशन है उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ आपका डिस्प्लेस हो गया, तो इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग पढ़ते हैं और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो कोई भी मेटल ए है अगर साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी से कंबाइन कर रहा है तो बनाएगा क्या, देन वी फॉर साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल हैं अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा।
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड लाइक HCl, H2SO4 एटसेट्रा. मेटल को हम M से इंडिकेट करेंगे, प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, यहाँ पर हम एसिड लिया. किस टाइप का एसिड? तो डाइल्यूट. क्या बनाएगा? साल्ट प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोडियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड लाइक HCl टू फॉर्म साल्ट लाइक NaCl एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. ये हमारा जनरल रिएक्शन है. इसी जनरल रिएक्शन पर जो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये हो गया. सिमिलरली Mg HCl टू फॉर्म MgCl2 एंड रिलीज H2. तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. कब? जब आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे. सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सोडियम एसिड से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम लें और डाइल्यूट एसिड अगर यूज करें उसमें, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड DIL टू फॉर्म साल्ट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2. ठीक, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2. कितना H2? तो 3H2. रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए. सिमिलरली जिंक सॉलिड रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर ZnSO4 साल्ट एंड रिलीज H2. तो इस तरह से हम लोग ये देखा कि अगर मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. कब? वे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक एट्सेट्रा, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड देन फॉर साल्ट एंड रिलीज H2 गैस. ये ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन से नीचे, ये हाइड्रोजन है, इससे नीचे अगर कोई मेटल है लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मेटल है लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. इसलिए जब भी डाइल्यूट एसिड इसमें हम ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा. इतना ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट, क्या होगा? नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, रिएक्शन नहीं होगा. सिमिलरली सिल्वर लिया, H2SO4 यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट ही,
तो आप नोट करके लिख लीजिएगा नोट में कि कॉपर सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड ड्यू टू कॉपर एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट। तो आज हम लोग ये देखा कि मेटल की प्रॉपर्टी किस तरह से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगले वीडियो लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाते हुए इफ मेटल रिएक्ट विथ क्लोराइड देन फॉर मेटल हाइड्राइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।